हाँ दोस्तों, मैं अभय और आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल द लर्निंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, क्लास नाइन्थ का इस चांद की मैथ इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों और सीखेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें तीन क्वेश्चन लगा चुके हैं, एक्सरसाइज 6.7 के तीन क्वेश्चन हमने लगा चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो दोस्तों, हम आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों मतलब सॉल्यूशन उसका निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है दोस्तों। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। कट थ्रू सेंटर, तो उसको सेंटर से जो काटा गया है उसी का हाफ ऑफ द स्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहले दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड मेटल है, उसको काटा जा रहा है, कट थ्रू सेंटर, उसके सेंटर से काटा जा रहा है, और उसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। दोस्तों, किसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है? सॉलिड मेटल स्फीयर है दोस्तों, उसको जो बीच से काटा गया, तो उसका एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है दोस्तों, मतलब उसका बाहर का भी और उसका अंदर का भी टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो दोस्तों, जब उसको बीच से काट दिया गया तो वो बन गया हेमिस्फीयर। दोस्तों, वो बन गया हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr² तो दोस्तों, 3πr² का फॉर्मूला यूज करके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, मतलब दोस्तों हाफ ऑफ द स्फीयर मतलब उसको काट दिया गया बीच से, तो वही है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला 3πr², तो हम 3 की जगह रखेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, 32/7, और हमारा रेडियस मिल जाएगा दोस्तों, डायमीटर दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो हम डायमीटर 3.5 अपॉन 2 और 3.5 अपॉन 2, तो ये मिल गया दोस्तों। तो इसको हम 7 को पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 × 7, 7 × 5 = 35, ये मिल गया हमारा, और इसको 2 को भी कैंसिल कर दे, 2 × 1 = 2, और ये 2 × 2, 2 × 2, ये 11 मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे 3 × 11 ये दोस्तों, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 3 × 11 × 0.5 × 3.5 / 2। तो दोस्तों, 2 को भी कैंसिल कर लेते, 2 × 2 और 2 × 2 पॉइंट लगा के ये मिल जाएगा 1.5 दोस्तों। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा, और दोस्तों ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 28.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, पहले उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है, और कोन में रेडियस दिया है 120 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 160 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस पूछ रहा है स्फीयर का। तो हम दोस्तों कैसे निकालेंगे स्फीयर का रेडियस? तो पहले दोस्तों, हम एक चीज ध्यान रखिए, इसमें दोनों का सरफेस एरिया इक्वल दिया है, तो मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व का सरफेस एरिया इक्वल दिया हुआ है, और इन्हीं दोनों चीज को रिलेट करके हम अपना रेडियस फाइंड करेंगे स्फीयर का। तो चलिए दोस्तों, तो पहले हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr l, मतलब पाई भी हमारे पास है और r भी हमारे पास है, रेडियस दिया है 120 सेंटीमीटर, और l हमें फाइंड करना है। l हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? मतलब l स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमें रेडियस भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तो उसी से हम फाइंड कर लेंगे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं स्लैंट हाइट का, तो स्लैंट l = √
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला जानते हैं और इसी से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। तो हमारा एच है 160 सेंटीमीटर, ये 160 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर है तो हमारा रेडियस 120 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25,600। तो दोस्तों इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 25,600, और इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 14,400 ये मिल जाएगा इसका स्क्वायर करने पर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इसको इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों इसको इसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 40,000। दोस्तों ये मिल जाएगा 40,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 40,000, और ये हमारा स्लैंट हाइट मतलब a इक्वल टू 200 आ जाएगा ये जब रूट से बाहर आएगा दोस्तों। तो ये आ गया हमारा 200 स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट मिल गया और हमारे पास पाई की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है, और स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर लिया, तो हम उसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कोन का। तो कोन का सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा पाई, पाई रख लेंगे और हम आर की वैल्यू पुट कर लेंगे 120 और स्लैंट हाइट की वैल्यू 200 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे जब रिलेट करेंगे तो पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 12 2 जाएगा 24 हो जाएगा, और इसमें हम तीन जीरो लगा देंगे, एक जीरो ये और दो जीरो ये, तो दो जीरो दोस्तों ये एक जीरो लगा लेते हैं, मिस्टेक से छूट गया दोस्तों। दोस्तों ये हो गया तीन जीरो, अब इसको हम रिलेट करा लेते हैं इससे हम रिलेट करा लेते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, हम इन दोनों सरफेस एरिया को रिलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह हम सरफेस एरिया ऑफ कोन रख लेंगे, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज कर लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला। अब हम आर स्क्वायर को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये दोस्तों ये आर के इधर डिवाइड कर जाएगा, 4 पाई आर के इधर डिवाइड करेगा, तो दोस्तों ये हो गया 24,000 पाई, और अपान ये जो दोस्तों आर के इसको डिवाइड कर देगा, ये आर के इसको डिवाइड कर देगा 4 पाई हो जाएगा दोस्तों। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 1 4 1 4 4 6 6 24, और ये 3 0 आगे लग जाएगा दोस्तों। ये हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 6000 ये मिल गया, और r इक्वल टू अंडर रूट 6000 ये दोस्तों जब ये हमारा बाहर आएगा तो आ जाएगा 77.46 ये हमारा रेडियस मिल जाएगा दोस्तों। जब ये बाहर आएगा रूट से तो ये हमारा रेडियस मिल जाएगा इस इक्वल टू 77.46 ये हमारा रेडियस। मैंने अपने 6 क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, तो पहले उसको क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। वह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक कोन है दोस्तों, एक खिलौना है कोन की शेप में, एक खिलौना है जो कोन की शेप में है, और उसको एक हेमिस्फीयर शेप पर, हेमिस्फीयर के शेप पर उसके ऊपर रखा हुआ है दोस्तों। जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर वो कोन रखा हुआ है दोस्तों, एक फिगर बना है। आप समझ सकते हैं कि एक जो खिलौना है वो एक कोन शेप में है, किस शेप में दोस्तों, कोन शेप में है, ये कोन शेप में है, और ये हेमिस्फीयर, और ये दोस्तों ये हेमिस्फीयर शेप पर रखा हुआ है, और जो कोन की हाइट है दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और जो कोन की डायमीटर है 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जो कोन की डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगी तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आ गया दोस्तों, इसमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है।
ये पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है, बाहर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं। तो डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर हमारा 6 है, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। और इसमें हम हाइट फाइंड कर लेंगे, कोन का हाइट दोस्तों क्या है दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर हाइट दिया है, तो 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब स्लैंट हाइट की बात है दोस्तों, इसमें इसकी एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट होना जरूरी है दोस्तों। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन फाइंड कर लेंगे, हमारे पास हाइट भी है और रेडियस है, तो इससे हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो हमारा दोस्तों हाइट 4 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 दोस्तों, ये मिलके अंडर रूट, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 25 अंडर रूट, उसके बाद से अंडर रूट से बाहर आ गए तो 5 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा हमारा स्लैंट हाइट। तो अब हम दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कोन का सरफेस एरिया का फार्मूला और ये हो गया हेमिस्फीयर सरफेस एरिया का फार्मूला। बाहर का सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, और बाहर और अंदर का भी निकालना होता है हेमिस्फीयर का, तो 3 पाई r स्क्वायर लगाते हैं, और केवल बाहर का निकालना है, हेमिस्फीयर के बाहर का सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा दोस्तों। तो दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा, मतलब टॉय का पूरा का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा पाई की वैल्यू बुक क्वेश्चन में दी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई 3 इनटू 5, हमारा रेडियस 3 दिया है और 5 इसका स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और हमारा रेडियस 3 आया, तो 3 स्क्वायर दोस्तों। अब आगे इसका मल्टीप्लाई कर ले, 35 से 50 और भाई ये 3.14 मल्टीप्लाई 50, और इसमें दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 9, 3 3 से 9 दोस्तों, ये आ गया 9। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 47.1 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे हमारा मिल जाएगा 56.52, ये मिल गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मतलब ये खिलौने का पूरा सरफेस एरिया मिल गया। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई, तो अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।